मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद में रेलवे से उजारे गए लोगों को आज झामुमो के स्थापना दिवस में निराशा हाथ लगी। धनबाद के रंगाटार के विस्थापितों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने विस्थापित होने की व्यथा बताने की कोशिश की, लेकिन उनको सुरक्षा कारणों से निराशा हाथ लगी। उजार के सब मना नहीं करती है, तो कितना बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? दो घर काम करते हैं, जो का बर्तन करते हैं, बारह घर देंगे कि खिलाएंगे बच्चे? अतिक्रमण के चलते जो है सारे लोग रेल के जमीन में रहते हैं, वर्षों से 100 वर्ष से रह रहे हैं, जो आज तक कोई सूचना भी नहीं दिया गया। और DRM के द्वारा या हो या IW के द्वारा हो, पुलिस प्रशासन ने धमकी दे करके तुम लोगों के ऊपर FIR केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, झूठा केस लगा करके तुम लोग को जिंदगी भर सड़ा देंगे, और नहीं तो यहाँ से खाली करके जाओ। हैं जबरन अब ये लोग जो सैकड़ों लोग जो 100 वर्ष से जो रह रहे हैं, कम से कम 10,000 लोग होंगे। मुख्यमंत्री से यही आज्ञा करेंगे, मिलकर के भेंट करेंगे, ज्ञापन देंगे, ताकि उनको पुनः वहाँ पर बसने का इजाजत दिया जाए, ताकि ये वो लोग फिर से अपना जगह पर रह सके, जो कि उस जैसा जगह है जो लीज पर भी पहले वर्षों से चल रही है। जो अगर लीज पर अगर उन्होंने DRM साहब को अगर चाहिए, तो हम लोग उसको लीज पर पैसा चंदा करके इकट्ठा करके भीख मांग करके उनको लीज दे सकते हैं कि हम लोग के कहीं रहने की व्यवस्था कर देगा। हम लोग रोड में अभी चादर गंदरा फटल गुदगी ले करोड़ को बाल बच्चा के लेके कोई एगो देखिए पेशेंट बीमार है, कितना कमर टूट गया, हम लोग इलाज नहीं कराने सक रहे। आज हम लोग नहीं है बहुत दिन से हम लोग कहीं जगह मांग रहे हैं, जो कहीं हम लोग सरकारी जगह में लोग एडजस्ट कर दिया। हम लोग कहाँ पैसा कोड़ी पाए, 400-500 तो तनख्वाह मिलता कहीं पर आदमी फालतू कोई होटल ज्यादा तो तनख्वाह देता नहीं, बहाली तो है ना कि बहाली होगा तो ज्यादा तनख्वाह मिले सर, 400-500 इससे तनख्वाह कहीं नहीं देता, किसी भी झाड़ू मारते हैं तो 20 रुपया। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।